बंदा भूल जाते हैं, हंसी मजाक में लग जाता है। तो हमारी करनी नहीं होती, हम नहीं जानते कि गुरु कैसे आपको ले जाएगा, क्या करेगा। कोई कहता है आप सत्संग में आना आना आना, नहीं जा पाते। तो हम सोचते हैं उनकी रजा में राजी, हम अपना ओपन माइंड रखते हैं। बट यहां हमने ओपन माइंड नहीं, क्लोज माइंड रखा था। चाबुक कैसा चलता है कि जाना पड़ता है। सो ये उनको पता है कि कहाँ हमको रखना है, कैसे रखना है। और आपको ना मैं बड़ी एक अच्छा सत्संग सुनाती हूँ जो मैंने सूरत में सुना। कि ये मत सोचो कि सिर्फ दिल्ली में ही संगत है और दिल्ली में ही गुरु जी है, यू नो सूरत में भी है बहुत। ऐसे हम बैठे थे सत्संग के सुबह, जब हम पहुंचे वहां पर तो पूरी तैयारी व्यारी जो भी घर के अंदर ही सत्संग था। तो घर में मजा आता ना, ये टेंट और बैंक्वेट, मेरे को तो लगता है गुरु जी ना बहुत ऑफिशियल हो गए, फॉर्मेलिटी लगती है। नहीं मुझे बड़ी घबराहट, ऑफिशियली भी बहुत संगत मिले पर जो घर में रस आता है ना उस जैसा कुछ भी नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, यू नो। नहीं बड़े एनुअल फंक्शंस कर सकते हो बैंक्वेट में, टूर वाली कह रही हूँ मैं। सो जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर ना एक ऑटो रिक्शा वाला आया जो उनका काम करता रहता है। तो वो आया तो वो बैठा, तो उधर जो संगत थी गौरव अंकल, उन्होंने बोला कि इसका सत्संग सुनो। कह रहे कि मैं ना इनका काम करता हूँ, इधर से इधर सामान पहुंचाना है, इधर देना है, वो करना है। जैसे डंजो होता है ना, मेरा सारा सामान वगैरह सब कुछ मैं इनका ऑटो में लेके जाता हूँ और मैं इन्हीं के उस पर हूँ। रोज मेरा कोई ना कोई काम होता है, पूरी बड़ी फैमिली है मेरी। तो कह रहे कि हम ना कह रहे कि मुझे तो अभी गुरु जी के बारे में पता लगा। कहते जब मैं ना इनके पास आता था तो मुझे गुरु जी साक्षात नजर आते थे, उसको नहीं पता कौन गुरु जी है। कहते जो आते थे, मैं सत्संग में आता था तो इधर उधर घूम रहे होते थे, कभी इधर बैठे, कभी गद्दी पे बैठ जाते थे, कभी इसके संगत के साथ खड़े। मैंने सोचा इनका कोई रिश्तेदार है, बड़ा चमकदार है ना, फिर हमें पूछा ही नहीं कभी भी। कह रहे एक डेढ़ साल जब भी वहां सत्संग होना तो गुरु जी कभी झूले पे बैठ गए, कभी आसन पे बैठे, कभी इधर उधर टहल रहे हैं। तो उसको लगा चलो अच्छी बात है। कह रहे मैं एक डेढ़ साल मेरा निकल गया ऐसे, और किसी और ने मुझे काम दिया तो कहता है कि सत्संग का ही काम था, ये सामान ले जाओ उधर ले जा। कहते हाँ, कहते आज भी लगता है वो आएंगे लगता है। कहते कौन आएंगे? कहते वो जो आपके कोई रिश्तेदार है आएंगे जो भी। कहते कौन रिश्तेदार? कहते वो गंजे से आते हैं ना, है ना। तो वो कहती है कि कौन गंजे से, क्या मतलब? उसको पता ही नहीं गुरु जी है क्या है। तो जब उसने फोटो दिखाई गुरु जी की, कहते हैं हाँ यही तो आते रहते हैं, इधर बैठते हैं उधर बैठते, देख के मुस्कुराते रहते हैं। मैं कहा चलो इनके रिश्तेदार बड़े अच्छे आते रहते हैं। और कह रहे कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे साक्षात कितनी बार उनके दर्शन हुए, मुस्कुराए, कभी कैसे मुस्कुरा के कभी इधर बैठे। और वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर इलाहाबाद का, और कहता मैं तो बाद में इतना रोया कि मैं, कहते वो तो समाधि ले चुके। कहते कैसे समाधि ले चुके, मैं तो देखता हूँ उनको। तो मैं भाव कहने का कितना है, वो इतना फूट के रोया, इतना रोया कि लो परमात्मा खुद साक्षात दर्शन है, मुझे पता ही नहीं लगा। मैंने कहा तू तो लकी है, तूने तो फिर भी दर्शन कर लिए, देख लिया, कभी हंस रहे कभी बैठ रहे, टेढ़ी नजर से तेरे को देख रहे कैसे। कह रहे ऐसे ही लगा। कहता है मैं तब से मैं गुरु जी का हो गया, मैं इलाहाबाद में भी सत्संग करता हूँ। कहता है पर मैं ना ये सब चीजें अपने गांव में जाके नहीं बताता, कहीं पागल है मेरे को ही पकड़ लेंगे, तूने दर्शन किए। तो इसीलिए बस कहता है इतनी कृपा है। मैंने कहा इससे बड़ी क्या चीज है। कहता है मैं बड़ा खुश हूँ। उसके फेस पे बड़ा तेज सा